जिला कुल्लू की सड़कों में बाजार खुलने के समय पर दौड़ रहे ऑटो व टैक्सियों पर अब पुलिस के जवान भी नजर रखने लगे हैं। हालांकि कोरोना कर्फ्यू में ऑटो व टैक्सियों के संचालन पर सरकार के द्वारा रोक लगाई गई है, लेकिन आपात स्थिति में ऑटो व टैक्सियों को चलने की अनुमति दी गई है। कुल्लू में भी पुलिस के जवानों ने ढालपुर सर्वर या खाड़ा बाजार में चल रहे ऑटो चालकों को रोका और उनसे पूछताछ की। वहीं आवश्यक कार्य होने पर ही उन्हें जाने की अनुमति भी दी गई। वहीं कुल्लू ऑटो यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने डीसी कुल्लू से भी मुलाकात की और ऑटो को चलाने के बारे में उनसे चर्चा की। कुल्लू ऑटो यूनियन के अध्यक्ष राजकुमार का कहना है कि अगर कोई भी ऑटो चालक किसी सवारी से ज़्यादा किराया वसूलता है तो उसकी शिकायत ऑटो कार्यालय या फिर RTO कार्यालय में की जा सकती है। राजकुमार का कहना है कि आपात स्थिति में ऑटो तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन कारोबार न होने के चलते सैकड़ों ऑटो चालक बेरोजगार अपने घरों में बैठे हुए हैं। इन सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को अब शहरों में ऑटो चलाने की अनुमति देनी चाहिए। के प्रेसिडेंट होने के नाते मुझे जनता के बारे में भी सोचना, मैंने पहले भी मैं 2-3 बार कह चुका हूँ, जो किराया ज़्यादा लेता है 2 नंबर कंप्लेंट करो, 1 नंबर मेरा ले लो पर्सनली, 8296-47-306 इस पर कंप्लेंट करो, RTO सर के पास कंप्लेंट करो अब जे, और उन पर एक्शन लिया जाएगा, गाड़ियां बॉन्ड की जाएगी, क्योंकि हम जनता के लिए, जनता हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जनता बैठेगी तभी हम 2 पैसे कमाएंगे, तभी हमारे घर का चूल्हा चलेगा। उपायुक्त महोदय से मिले, हमने अपनी समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया है, क्योंकि जनता भी चाहती है कि ऑटो चले, क्योंकि हमारा दायरा 4-5 किलोमीटर के अंदर चलने का है, तो जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हाल ही में 2 दिन पहले हमारे सीनियर सिटीजन पैदल गया खाड़े से ढालपुर से, चक्कर आ गया उन्हें, और रेड क्रॉस की एम्बुलेंस के द्वारा उन्हें घर पहुंचाया गया, और जनता भी चाहती है कि ऑटो चले, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गौर रहे कि जिला कुल्लू में विभिन्न जगहों पर पुलिस के द्वारा नाके भी लगाए गए हैं। यहाँ से आपात स्थिति में शहरों का रुख करने वाले वाहन चालकों को ही जाने की अनुमति दी जा रही है। ETV भारत के लिए कुल्लू से बालकृष्ण शर्मा की रिपोर्ट।